आरथी के विद्युत फीडर पर लाइनमैन को हटाने की मांग को लेकर लोगों ने बिजली घर का घेराव किया। लोगों की शिकायत है कि विद्युत कर्मचारी जनता की कतई नहीं सुनते। नारकी के विद्युत फीडर पर इन दिनों बुरा हाल बना हुआ है। विद्युत कर्मचारी हो या फिर लाइनमैन, जनता की कतई नहीं सुन रहे। लोगों का यह तक कहना है कि रात में अगर कोई कंप्लेन करनी हो तो वह फोन भी नहीं उठाते और स्वयं जाकर अगर शिकायत की जाए तब भी वह सुबह की कहकर टाल देते हैं। नारकी के क्षेत्रीय लोगों ने लाइनमैन और फीडर पर तैनात स्टाफ को तत्काल रूप से हटाए जाने को लेकर अधिकारियों से शिकायत भी की है और लोगों ने फीडर पर भी हंगामा काटा। लोगों का आरोप है कि ऐसे भ्रष्ट और नकारा कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। समस्या है कि जैसे हमारे यहाँ वायर टूट जाती है, बिजली फॉल्ट हो जाती है, तो उसे हम जो हमारे लाइन मैन है उसके पास कॉल करते हैं, तो कॉल करने के बाद वो हमारे पास पहली फ़ोन उठा लेता है, उसके बाद बोलता है आएंगे सर 24 घंटे में, जबकि कानूनी कार्रवाई होती है कि 24 घंटे के अंदर वो वायर ठीक करनी चाहिए, बट ये लोग 24 घंटे की बजाय दो तीन दिन हफ्ते में ले जाते हैं और उसके बाद ये उस वायर का लगाने के लिए पैसे मांगते हैं। हम लोग फिर खुद तो पैसे दे नहीं पाते हैं तो गांव से चंदा करके 1000-2000 रुपये इकट्ठा करके इनको देते हैं।